वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। और आज कई व्लॉग का टाइटल देखकर तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, और अगर हम स्पेशली इंडोर एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें स्विमिंग, टेबल टेनिस, स्नोकर और इसी तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप इंडोर इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम लोग बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि वीक में एक दिन ऐसा रखें, ऐसे स्पोर्ट्स के लिए रखें जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी हो और हम लोग फ्रेश भी फील करें। तो आज हम लोग प्रो वन बैडमिंटन कोर्ट जा रहे हैं। वैसे तो सिडनी में बहुत सारे टेनिस कोर्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये हमारे घर से काफ़ी करीब है, जस्ट 20 मिनट्स की ड्राइव है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा और जल्दी निकल गए क्योंकि आज वीकेंड भी है और बारिश की भी प्रिडिक्शन है, तो काफ़ी ट्रैफिक आज हमें मिला रास्ते में, और हम लोग थोड़ा जल्दी इसीलिए निकले हैं ताकि हम लोग वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाएँ। और हमने बैडमिंटन कोर्ट भी ऑनलाइन बुक कर दिया था क्योंकि हम लोग पीक आवर्स में जा रहे हैं, तो हमने $32 पर आवर पे किए हैं। लेकिन अगर हम ऑफ पीक आवर्स में जाएंगे तो हमें $24 पर आवर पे करने होते हैं। और अगर आपके पास अपने रैकेट्स हैं तो आप वो अपने साथ भी वहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रैकेट्स नहीं हैं तो बहुत एक्सपेंसिव रैकेट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप वहाँ जाकर भी रेंट आउट कर सकते हैं। और हमारे पास भी रैकेट्स नहीं थे तो हमने वहीं जाकर जो है वो रेंट आउट किए थे। फाइनली हम लोग अपनी बुकिंग टाइम से 10 मिनट्स पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन क्योंकि आज वीकेंड है तो वीकेंड की वजह से हमें पार्किंग में थोड़ा सा टाइम लगा और हमारे फ्रेंड्स भी हमारा वेट कर रहे थे। तो ये प्रोवन बैडमिंटन सेंटर का एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाके राइट साइड पे कोर्ट्स बने हुए थे। यहाँ पे 17 कोर्ट्स बने हुए हैं और हमारा जो कोर्ट है वो बिल्कुल लास्ट वाला था। यहाँ से हमने अपनी गेम के लिए रैकेट्स रेंट आउट किए थे। वैसे तो वन रैकेट पर आवर के यहाँ पे हमने $8 पे किए हैं, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं तो हमने अपनी गेम के लिए 4 रैकेट्स लिए थे।
टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और हमारे कोर्ट की लाइट्स भी ऑफ हो गई थी और हमें 2 घंटे बिल्कुल भी पता नहीं चले कि किस तरह से टाइम गुजर गया। बट आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन कि आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ और इन्जॉय करें। आई होप आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।